देखो, तुम हमसे ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हो? किसके कहने पर तुम ऐसा कर रहे हो? कोई भी नहीं, ये मेरा डिसीजन है। जिसने तुमसे ये करने को कहा है उसने तुम्हारी बीवी को मारा है, फिर भी तुम उसके कहने पर काम कर रहे हो? ऐसा करने से तुम्हारी बीवी का हथियारा खुलेआम घूमेगा और इल्जाम तुम्हारे सर पर आ जाएगा। तुम्हें लगता है मेरे लिए आसान है? जब तुम्हारे लिए आसान नहीं है तो फिर क्यों ऐसा कर रहे हो तुम? मत करो ऐसा। देखो तनेर, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने दोस्तों को लेकर यहां से चले जाओ। जहीर, निहान जल्दी चलो, गाड़ी में बैठो। जाओ केमाल। तनेर, तुम भी हमारे साथ चल रहे हो, चलो। जाओ केमाल, तुम मुझे बचा नहीं सकते हो, जाओ यहां से। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। चलो भाई, चलो 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 चलो। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। अब टेरन क्या करेगा? वो अकेला पड़ गया। मैं नहीं जानता कि वो किससे डर रहा है, लेकिन वो इल्जाम अपने सर पर लेगा। हम लोग बहुत बुरे फंस गए हैं केमाल। क्या हम सब एक ही इंसान के बारे में सोच रहे हैं? उसके अलावा हम किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। मैं नहीं जानता मुझे क्या बोलना चाहिए मिस्टर अमीर। शांत हो जाओ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। शुरुआत से बताओ आखिर वहां क्या हुआ। मैं गलत था। हुआ ये कि मैंने काम को बहुत मामूली समझा। आप सही थे मिस्टर अमीर, मैंने इसे बहुत बहुत अंडर एस्टिमेट किया। मुझे लगा कि सब आसान है। शुरुआत में मैं बहुत नर्वस था, फिर मिस्टर तूफान ने मुझे शांत किया और जब मैं लोकेशन पर पहुंचा तब तुम ही कर सकते हो तारिक। बस इस औरत को यहां से लेकर निकल जाओगे और बस, ये बहुत आसान है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं यहां तुम्हें मत देखना। उस औरत को मार डाला। ये तुमने क्या कर दिया? मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर अमीर, मैंने ही सब बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद कर दिया मैंने। तुमने बहुत बड़ी गलती की।
हमने ये नहीं सोचा था कि उस औरत के पास भी बंदूक होगी। तुम्हें खुद को बचाना जरूरी था। अगर तुम उसे नहीं मारते तो शायद वो तुम्हें मार देती। मैंने उस औरत को मार दिया। मैं खूनी हूं, मैंने सब बिगाड़ दिया। वो औरत मर चुकी है। शांत हो जाओ तारिक, शांत हो जाओ। मिस्टर ऑन्डर के एक्सीडेंट के वक्त तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा था। मुझे बचाने के लिए तुमने खुद को दांव पर लगा दिया। मैं भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा तारिक। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। सुना तुमने? बहुत लेट हो चुका है सर। मैंने क्या कहा तुमने सुना? देर हो गई है सर। मिस्टर एमिर के लिए देर नहीं हुई है, तुम्हें बस हम पर भरोसा करना होगा। घर जाओ और सामान पैक करो। किसी को कुछ मत कहना। तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो तारिक, मैं संभाल लूंगा, समझे? क्या तुम घर पर हो? क्या आज रात में तुम्हारे पास रुक सकता हूं? थोड़ी मुश्किल जरूर होगी, लेकिन ये उससे बाहर आ जाएगा। बंदूक कहां है? मेरे पास है सर। गुड। जैसा मैंने पहले कहा था, इस बंदूक को सड़क के किनारे कहीं फेंक दो। कांग्रेचुलेशंस तूफान, तुमने इस टेस्ट को पास कर लिया। थैंक यू सर। कभी कभी मैं सोचता हूं कि तुम हर बार इतने टेस्ट देते हो, लेकिन कभी यह नहीं पूछता क्या यह तुम्हारे लिए मुश्किल होता है। क्या सच में मुश्किल होता है तूफान? आपका हर टेस्ट पास करना मेरे लिए काफी मुश्किल होता है सर। ये वाला काम तो बाकी के कामों से मुश्किल रहा होगा। आखिर इस काम की जिम्मेदारी जो तुम पर थी। क्यों, सही कहा ना तूफान? सच कहूं तो सर, बहुत ज्यादा मुश्किल था ये मेरे लिए। अगर तारिक इस मिशन को पूरा नहीं करता तो इल्जाम मुझ पर लगता, लेकिन अगर कर लेता तो वो आपकी नजरों में मुझसे भी अच्छा बन जाता वो सर। लेकिन तुमने मुझे चुना है। हमेशा की तरह सर। घर जाओ और आराम करो, तुम्हें जरूरत है। और बुरा महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। तारिक एक कदम आगे जरूर गया है, लेकिन तुम बिल्कुल अलग हो। रिस्क नहीं लेना सही रहा। उनको मुझ पर अब शक नहीं है।